और सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा, हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी। हमें हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो SIT बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन, गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि NGO की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है। हम बहस कर सकते थे मगर क्यों करें, क्योंकि हमें कुछ छिपाना ही नहीं था। आज जब जजमेंट आया है तब तय हो गया है कि जजमेंट में लिखा हुआ नाम मैं बोलता हूं, एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक NGO का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठ बातों को आगे बढ़ाया गया और झूठे सबूत घड़े गए। SIT को जो जब जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि ये झूठा जवाब है, जिसको SIT ने भी बाद में कोर्ट के सामने रखा कि ये झूठे जवाब थे और वो जानते थे कि झूठे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया घटनाएं सूद मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे, ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सेना को बुलाया नहीं गया इतनी देर तक, 3 दिन नहीं बुलाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डिले, लेकिन क्या सेना, अगर आप उस वक्त होम मिनिस्टर होते, गृह मंत्री होते,